हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन बीएसएफ नई भर्ती 2022 के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी जिसमें सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल की पोस्ट है इसके लिए नोटिफिकेशन वैसे तो रिलीज कर दिया गया है लेकिन इसकी ऑफिशियल साइट एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अभी नहीं आया है विद इन टू वीक्स इसका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा सो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा बी की ऑफिशियल साइट से ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है एज लिमिट क्या है एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी होगी एंड पी एम टी पी एस टी सिलेक्शन प्रोसीजर ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो अगर आप बी एस एफ ज्वाइन करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर हेड है, कॉन्स्टेबल पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो अभी मैं आपको इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो बता ही दूंगी लेकिन जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है तो डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा ओके सो चलिए हम देख लेते हैं इसकी टोटल वैकेंसीज जो आई हुई है वो है दो सौ इक्यासी 281 टोटल वैकेंसीज़ हैं जिसमें कि सब इंस्पेक्टर की और हेड कांस्टेबल की हैं इसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए सब इंस्पेक्टर में जो वैकेंसीज़ हैं वो सब इंस्पेक्टर मास्टर सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर एंड वर्कशॉप के लिए हेड कांस्टेबल में मास्टर इंजन ड्राइवर इलेक्ट्रीसियन ए टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट कारपेंटर प्लम्बर सिटी क्रू के लिए सो so, ये एंड SI की पोस्ट है अब इसके लिए हम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या रहती है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मिनिमम एज है है 22 ईयर ईयर एंड मैक्सिमम 28 year. ये जनरल कैंडिडेट के लिए है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी कैंडिडेट है एससी एस टी कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा थ्री ईयर फाइव ईयर टेन ईयर फिफ्टीन ईयर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एस सी कॉन्स्टेबल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एज रहेगी ट्वेंटी एंड मैक्सिमम रहेगी ट्वेंटी फाइव ईयर इसल क्वालिफिकेशन तो सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए आपके पास ट्वेल्थ पास प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए मास्टर में इसमें जो पोस्ट रहेगी इंजन ड्राइवर इस पर भी ट्वेल्थ के साथ में सर्टिफिकेट है इंजन ड्राइवर में एंड वर्कशॉप में बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट रहेगी इसमें टेंथ प्लस सर्टिफिकेट या आईटीआई आई आपने किया क्योंकि ये आपने अभी मैंने आपको वैकेंसीज बताई थी हेड कांस्टेबल में रिलेटेड ट्रेड से अगर आपने आई किया है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसमें हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे और सब इंस्पेक्टर के लिए भी आपका ट्वेल्थ के पास में जैसे मास्टर में है तो मास्टर में सेकेंड क्लास का इसमें सर्टिफिकेट लग रहा है डिटेल हम जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें क्लियर कर लेंगे इंजन ड्राइवर

सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है कैंडिडेट के लिए टू हंड्रेड एंड हंड्रेड रुपीज ग्रुप बी और ग्रुप सी से हाइट तो अनरिजर्वीसी और एससी के लिए एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर एस टी के लिए एक सौ साठ सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड रहेगी रनिंग भी यहां पर रहेगी फिजिकल टेस्ट आपका यहां पर लिया जाएगा तो रनिंग 1600 मीटर इन 8 मिनट रहेगी हाई जंप रहेगा 3 फीट 6 इंच एंड लॉन्ग जंप रहेगा आपका 11 फीट 11 फीट ओके okay, सो so अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमने ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ लास्ट जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था लास्ट टाइम उसके हिसाब से दे रही हूँ जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है हम उस वीडियो में एक वीडियो में सारे नोटिफिकेशन को क्लियर करेंगे क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड ट्रेड रिक्वायरमेंट रखी गई है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट होगा फिजिकल टेस्ट होगा अभी फिर भी लास्ट uh, ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ लेकिन फिर भी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हम उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर फीस एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी गई है सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे लेकिन इसमें आपका रिटर्न फिजिकल टेस्ट आपका होगा ओके फ्रेंड्स तो अभी हमने सारे बेसिक पॉइंट्स इसके जो हैं क्लियर कर लिए अगर आप अब इसके लिए एलिजिबल हैं आपके पास ये एलिजिबिलिटी है आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन है विद इन टू वीक्स रिलीज हो सकता है तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या इसकी की ऑफिसल साइड चेक करते रहेगा या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अपलोड करूँगी थैंक यू